हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है मूंगफली और नारियल की चिक्की। देखिए, यहाँ पे हम नारियल ले लिए, हाफ नारियल है। इसको इस तरह से हमने देखिए कद्दूकस से कर किया है। आप इसे नाइफ से भी इस तरह से पतला पतला ग्रेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। और यहाँ पे हम 250 ग्राम मूंगफली है, इसको देखिए ड्राई रोस्ट करके इस तरह से इसके छिलके को निकाल लिए हैं। 250 ग्राम हम शुगर लिए हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाते हैं। और ये मूंगफली का हमें एकदम फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, फाइन सा पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा हमें पाउडर बनाना है। तो इसको हल्का सा हम पीसेंगे, जिससे मोटे मोटे पार्ट रहें, बहुत पतले ना हो। तो सबसे पहले चाशनी बनाते हैं। एक साइड में एक कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें देखिए ये 250 ग्राम चीनी भी है। इसमें हम एक गिलास एक वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर इतना ऐड करिए जिसमें चीनी बिल्कुल से डूब जाए। देखिए, इस तरह से चीनी डूब गया। अब इसकी हम चाशनी बना देंगे। इसे गल जाने देते हैं। इधर हम मूँगफली को हम पीस लेते हैं, फिर हम आपको ये देखिए बिल्कुल। अब ये देख रहे हैं, इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। ये देखिए, जितना था इसमें वाटर ऐड किया था हमने शुगर के साथ, ये बिल्कुल अच्छे से डिजॉल्व हो गया। इसको हम 2 मिनट तक इस तरह से पकाए हैं। पकाने के बाद ये टेस्ट करते हैं कि एक तार की चाशनी इसमें आनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से एक तार बन रहा है, यानी एक तार की चाशनी हमारी हो गई। अब हम इसमें 1/4 स्पून या 2 पिंच अब इसमें बेकिंग सोडा, यानी जो खाने वाला सोडा होता है, उसको डाल दें। उसको डालने से क्या होता है, ये चीनी हमारी बिल्कुल साफ हो जाती है, और जब जमता है तो उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बन के आता है और क्रंची होता है खाने में। तो इस तरह से देखिए हमने डाल दिया। ये देखिए, इस तरह से बबल्स आ रहा है, बस इसको चला देंगे हल्का सा। अगर आप चाहिए तो फ्लेवर के लिए इसमें इलायची वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन नारियल और मूंगफली का तो अलग ही फ्लेवर होता है, इसमें कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ये हमारा मूंगफली देखिए इस तरह से हमने पीस लिया। तो देखिए, बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बना, इसमें दरदरा दरदरा पीसेस भी है इसके। तो इस तरह से बना लेना है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे, इसको इस तरह चला लेते हैं। इसी के साथ ये नारियल जो हमने किया इस तरह से ग्रेट करके, नारियल चाहिए तो आप बारीक बारीक भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो मार्केट में मिलता है, इस तरह खड़े खड़े नारियल रहते हैं उसमें ऊपर, बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, इसलिए हम इसी तरह से बना रहे हैं। तो इसको हम तब तक इसे चलाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता और जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो इसको इसी तरह चलाएंगे, आज को मीडियम पे करके मीडियम से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इस तरह हम लगातार चलाएंगे, तली पे चलाएंगे, जैसे कि जमने ना पाए, नीचे लगे नहीं, और थोड़ा गाढ़ा हो जाने देते हैं। ये देखिए, अभी गाढ़ा हो गया बिल्कुल, और ये जमने की कंसिस्टेंसी में भी आ गया। देखिए, इस तरह से कढ़ाई हमारा छोड़ रहा है, ये देखिए। तो इसको 1 मिनट और इस तरह से चला देते हैं। ये देखिए, इसको 1 मिनट हम और चला दिए। अब ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो गया, बिल्कुल कढ़ाई अच्छे से छोड़ रहा है, देखिए इस तरह से, यानी अब जमने लायक हो गया। तो हमारी मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। इसे आप चिक्की कहिए, बर्फी कहिए, मूंगफली नारियल की टेस्टी बर्फी। तो एक तरफ हम देखिए ट्रे रख दिए, गैस को हम ऑफ कर देना। ट्रे में इसको ऑयल से हमने ग्रीस कर दिया, इसी पे हम जमाएंगे। आप इसको थाली में, प्लेट में, जिसमें भी आप चाहेंगे तब जमा सकते हैं मूंगफली से। तो इसे हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं इस ट्रे पे। देखिए, हमने इसको स्क्वायर सेट में जमा दिया। ये थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो गया था, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करके इसको फिर से डिजॉल्व किया। देखिए, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया, लेकिन टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। मीठा सोडा हमने डाला था, इसकी वजह से देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लुक हो गया है, जैसे लग रहा बिल्कुल बर्फी है। तो ये आप नारियल और हमारे जो हमने डाला था मूंगफली, उसकी बर्फी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अभी हम जमा नहीं है, तो अभी हम इसको एक कट का शेप दे दे रहे हैं बर्फी के शेप में, क्योंकि जब जम जाता है तो ये कटता नहीं, इसलिए पहले इसको एक हल्का हल्का से इस तरह से निशान लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से निशान लगा दे रहे हैं, क्योंकि जब जम जाएगा तो आसानी से निकल सके। तो इस तरह से हम कट कर रहे हैं। इसको 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसे अच्छे से जम जाए, फिर हम इसके पीसेस कट करके आपको दिखाएंगे। चलिए, देखिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए मैं पहले निशान लगा दिया था, अब इसी कटिंग को हम फिर से कट लगा देते हैं, क्योंकि ये जम गया अच्छे तरीके से। तो 1.5 घंटा हो गया इसको रखे हुए, हम इसके पीसेस अब निकाल लेते हैं। देखिए, काफ़ी हार्ड हो गया है। इसके कॉर्नर साइड को हमने पहले निकाल दिया था, जब थोड़ा सा हार्ड कम था, सॉफ्ट था, तभी हमने कॉर्नर साइड को निकाल लिया था। इसको पहले निकाल लेते हैं।
कर रहा है। देखिए इसकी चिक्की कैसे बनी है, इसको हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए कितनी अच्छी बनी है, क्रिस्पी बनी है। तो हम सारे पीसेस निकाल के प्लेट में आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए सारे पीसेस इस तरह से निकल आए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पीसेस इसके। देखिए आगे पीछे से भी और आगे से भी देखिए इसके नारियल के पीसेस जो बड़े बड़े दिख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए और कितना बढ़िया जम के तैयार हुआ है। इसको इस तरह से प्लेट में एक सजा दे रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पीसेस। हमने बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं, आप चाहिए तो उसको छोटे छोटे पीसेस में भी बर्फी की तरह इसको काट सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी चिक्की हमारी बर्फी बन के तैयार हो गई है। चिक्की और बहुत ही सॉफ्ट भी है। इसको तोड़ने पे देखिए आपको हमने इसका टेक्सचर दिखाया है। देखिए इसको तोड़ने पे कैसे स्मूथली टूटता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। इस ठंडक में हमने मूँगफली और हमारा जो नारियल है ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल भी है और एनर्जी भी देता है। तो इस रेसिपी को ट्राई करिए, इस ठंडक के सीजन में इसे बनाइए। तो अगर आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन उसे दबाना मत भूलिए। इससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।